किसान साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। मैं हूं इमरान आपके साथ। जैसा कि आपको पता है, हम समय समय पर नई नई कृषि संबंधित जानकारी आपके लिए लेकर आते रहते हैं, आपको रूबरू कराते रहते हैं नए नए उत्पादों से, क्या तकनीकी चल रही है कृषि क्षेत्र में और कौन कौन सी नई चीज़ें आ रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम किसान में एग्रीसो में आए हुए हैं और यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं हर एक स्टॉल की, पल पल की अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं। मौजूदा समय में मैं बैठा हुआ हूँ तिरुपति एग्रो एंड बायोटेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में। इस कंपनी की खास बात यह है कि इस कंपनी ने एक किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुहिम छेड़ी हुई है, जो बहुत ही अच्छे इसके लेवल पर कार्य कर रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मच्छेंद्र बी मुंडे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है फसल क्रांति। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी स्वागत है। इतने दूर से आप यहाँ के लिए आए और हमारे स्टॉल में पधारे, इसके लिए आपके चैनल के सभी लोगों का और आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे क्या अभियान जो आपने छेड़ा हुआ है कि किसानों को जो है समृद्ध बनाने के लिए जो आपका अभियान चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद सर। नमस्कार किसान भाइयों, हमारा जो आत्मनिर्भर किसान अभियान जो अभी चल रहा है, उसमें सबसे खास बात यह है कि हम किसान लोग जो भी फसल है वो तो उगाना तो जानते हैं लेकिन बेचना नहीं जानते हैं, क्योंकि मार्केट हमारे पास नहीं होता और जो भी मार्केट में जो लोग आते हैं उनके हिसाब से वो भाव लेते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर किसान अभियान की खासियत यही है, जो मार्केट को लगता है वही हम तैयार करेंगे और रेट हमारा रहेगा और ज़रूरत मार्केट की रहेगी। उसी सिस्टम से बहुत सारे फसलों में हमने काम किया है, अलग अलग तरीके के मेडिसिनल प्लांट है, कमोडिटी प्लांट है, अलग अलग हिसाब से। लेकिन अभी जो वर्ल्ड का जहाँ पे सबसे ज़्यादा और सबसे महंगा बिकने वाला जो प्लांट है अगरवुड के विषय पर अभी हम काम कर रहे हैं। अगरवुड सर है क्या, मेडिसिनल हर्ब है, किस तरीके का ये प्लांट है? अगरवुड ये मेडिसिनल प्लांट भी है और कॉस्मेटिक में इसमें सुगंधी प्लांट भी बोलते हैं। जो भी सारी चीज़ें तैयार होती है कॉस्मेटिक वाली और जो भी सेंटेड जैसे परफ्यूम्स है, और इंडिया में छोड़ो वर्ल्ड में सबसे महंगा बेचने वाला या बिकने वाला अगरवुड का अत्तर जिसे बोलते हैं हम सेंट, वही होता है कि वर्ल्ड में सबसे महंगा रहता है। और इसी अगरवुड की हम स्टार्ट से लेके मतलब जानकारी से लेके फसल तक और फसल से लेके बिक्री तक के हम सिस्टम चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो जैसे कि आपने बताया इससे बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, खासकर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, किसानों के साथ आप कैसे काम कर रहे हैं? मान लीजिए किसी किसान को अगर आपसे जुड़ना है तो कैसे वो जुड़ते हैं? अच्छा, तो ये जो अगरवुड है, ये अगरवुड फसल पौधे से इसका पेड़ तैयार किया जाता है और इसका जो पौधा है, इसकी जो नर्सरी है वो हमने अभी महाराष्ट्र में भी चालू की है। और अगरवुड का जो भी मतलब इसका डेवलपमेंट है, मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम किसानों के साथ करते हैं। जैसे कि समझो अभी किसी किसान को 1 एकड़ अगरवुड का पौधे का प्लांटेशन करना है और अगरवुड की फार्मिंग करना है, तो उसको सबसे पहले हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं। सॉइल टेस्टिंग करने के बाद उसमें जो भी उस समझो वो जमीन का पीएच क्या है, कार्बन गर्व क्या है, माइक्रो कंटेंट क्या है, एनपीके क्या है, उस हिसाब से हम उसको जो भी एप्लीकेशन है ऑर्गेनिक सिस्टम के हम एप्लीकेशन उसको प्रोवाइड करते हैं। और जून महीने में ये जो अगरवुड का प्लांट है उसका प्लांटेशन करते हैं। जिस टाइम इसका प्लांटेशन होगा उसको ये किसान को ये तो जमीन हर एक जमीन पे इसका प्लांटेशन हम कर सकते हैं। लगभग 4 से 5 फीट कम से कम मिट्टी चाहिए, तो उसी जमीन में हम इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। वो पहले ही हम मिट्टी जब जांच करते हैं तभी हम उसका तो सर्वे में वही बताते हैं और उसी से हम ये स्टार्ट करते हैं प्लांटेशन करना। और उसका जो भी किसानों को जो मार्गदर्शन करना है, इंफॉर्मेशन देना है, वो हर टाइम टाइम पे हम देते रहते हैं। एक समस्या किसानों के सामने रहती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सर, जब कोई कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराती है तो किसान अक्सर मार्केट को लेकर एक संशय में रहता है कि मुझे मार्केट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर आप क्या कहेंगे? इस खासकर इस अगरवुड के पेड़, अगरवुड के ये इंडिया में अगर आप नेट पे देखेंगे तो 9000 से ज़्यादा बायर है। सबसे दिक्कत क्या रहती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाइंग की, लेकिन अभी ये 9000 से ज़्यादा कंपनियां या व्यापारी इसके बायर होने के वजह से इसका तो बिकने का कोई टेंशन ही नहीं। तभी भी हम किसानों के साथ जो एग्रीमेंट करते हैं उस एग्रीमेंट में हम किसान को बोलते हैं मतलब बेचना है वो भी जिम्मेदारी हमारी रहेगी या बायबैक करना है वो जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अगर उसमें दो तरह के एग्रीमेंट रहते हैं,
पहला तो रहता है मार्केट रेट के हिसाब से, जो भी आज मार्केट रेट चल रहा है उस हिसाब से वो जो अभी अगरवुड का तीसरे साल के बाद जो भी यील्ड निकलेगा, जैसे कि इसका लिप निकलता है, लिप से भी कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनते हैं, उसके जो छिलके निकलते हैं भी, जो रेट रहेगा उस रेट से हम उसको बेच देंगे, उसमें हमारा 15-20% हमारा मार्जिन रहेगा, ताकि किसानों को भी मुनाफा हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे हम उसको बेच डालेंगे तो और हमें भी तो 15-20% हमें भी मार्जिन रहनी है वो पूरा खर्चा करने के लिए। इसके लिए वो दिक्कत हमारे तरफ, मतलब ये अभियान में, आत्मनिर्भर किसान अभियान में ये दिक्कत नहीं रहेगी। सर, यदि कोई किसान आपसे जुड़ना चाहता है, इसकी खेती करना चाहता है, तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर या कोई कॉन्टैक्ट? यस सर, इसके लिए हमारा तृप्ति हर्बल का tripthiherbal.in ये वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और इसके लिए अगर किसी को लगाना है तो, और ऑफिस के भी नंबर है हमारे, ये ऑफिस के नंबर मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ। पूना ऑफिस है हमारा, उस ऑफिस का नंबर है 9370345817। और औरंगाबाद ऑफिस का हमारा नंबर है 9028959372। इस नंबर पे संपर्क कीजिए। इंडिया में कहाँ से भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा इसका यील्ड निकलेगा, तो जैसे कि आज की ज़रूरत है इंडिया की, जो हम आज तक ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत तो इंडिया में भी है, इसके लिए हम तो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा यही आत्मनिर्भर किसान अभियान का एक मसला है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन यहाँ पे ले। तो जो संपर्क करना चाहते हैं वो अपने चैनल के हिसाब से और इससे हमें संपर्क कर सकते हैं। अंत में चलते चलते आप अपनी कंपनी की ओर से किसानों को क्या कहना चाहेंगे? मैं हमारी कंपनी की वजह से किसानों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, मार्केट के ज़रूरत के हिसाब से अगर हम सब लोग फसल लेंगे तो जो आज हमारी दिक्कतें आ रही है वो दिक्कतें कभी भी नहीं आएंगी। और एक साथ जुड़ के जो ये करेंगे तो फ्यूचर में, भविष्य में कौन से भी किसान को ये आत्महत्या या लोन के हिसाब से खेती बिकना वगैरह नहीं पड़े, यही हमारी सदस्या है। और सबके साथ मिलकर सबका विकास करके हम करना चाहते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मच्छिंद्र बी मुंडे, जिन्होंने विस्तारपूर्वक अगरवुड की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जानकारी दी। किसान साथियों, यदि आपको अगरवुड की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना है या इस कंपनी से जुड़ना है, तो जो सर ने डिटेल्स शेयर की है वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्क्रीन पे नंबर आपको दिखेंगे वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इनकी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ। नमस्कार।